इस वीडियो को देखने वाले तीन तरह के लोग हैं। पहले जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, दूसरे जिनकी ऑलरेडी एक दो SIPs चल रही हैं, लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो में और फंड्स ऐड करना चाहते हैं, और तीसरे जिनकी SIP वगैरह सब बढ़िया चल रही है, लेकिन वो बस ये देखने आए कि क्या हमने उनके फंड्स का नाम इस वीडियो में लिया या नहीं। अगर आप तीसरी कैटेगरी के हैं तो मैं आपको बता दूं कि शायद ये वीडियो आपके लिए उतनी फायदेमंद ना हो। आप जिन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें पेशेंटली इन्वेस्ट करते रहिए। अच्छे फंड से इम्पोर्टेंट है आप कितने टाइम से उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप बाकी के दो कैटेगरीज में हैं तो हम आपको चार म्यूचुअल फंड्स बताएंगे इन वीडियो में, एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका उन फंड्स में एलोकेशन कैसे होना चाहिए। Also, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, दिस वीडियो शुड ओनली बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। चलिए अब देखते हैं कौन से हैं वो चार म्यूचुअल फंड्स। माय फर्स्ट पिक वुड बी फ्रॉम द लार्ज कैप कैटेगरी, प्राइमरली बिकॉज म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप वाले जो फंड्स हैं वो लेस रिस्की होते हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, म्यूचुअल फंड एज अ कैटेगरी इन इटसेल्फ इज वेरी रिस्की, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बट उसमें लार्ज कैप जो फंड्स हैं वो रिलेटिवली सबसे कम रिस्की होते हैं। लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाते हैं, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इन दिस कैटेगरी देर आर प्राइमरी टू टाइप्स ऑफ फंड्स, एक्टिव एंड पैसिव, एंड इनमें से मैं एक पैसिव फंड यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगी। अब अगर आप प्रीवियस रिटर्न्स के बेसिस पे भी देखोगे तो इंडेक्स फंड में टॉप 5 में आपको कोई दिखेगा भी नहीं। ये पिछले 5 साल के रिटर्न्स के हिसाब से डेटा है। इनमें जहां टॉप फंड ने 20.78% का CAGR दिया है, वहीं इंडेक्स फंड ने सिर्फ 16% का CAGR दिया है, बट फिर भी मैं इंडेक्स फंड्स को ही प्रेफर करूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 85-90% एक्टिव म्यूचुअल फंड्स फेल टू बीट द इंडेक्स फंड। आज निप्पॉन इंडिया आपको टॉप पे दिख रहा है, कल कोई और होगा, परसों कोई और हो सकता है, 5 साल बाद निप्पॉन आपको सबसे बॉटम पे दिखे, लेकिन इंडेक्स फंड आपको टॉप 10 फंड्स में दिखेगा ही दिखेगा। सो इंस्टेड ऑफ गेसिंग कि टॉप 3 में 10 साल बाद 5 साल बाद कौन होगा, आई वुड जस्ट सिंपली ऐड एन इंडेक्स फंड टू इट, टू माय पोर्टफोलियो। एंड वैसे भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव ही है स्टेबिलिटी, एंड इंडेक्स फंड इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस। इन दिस माय पिक वुड बी UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो इज 0.21%, व्हिच इज नीदर हाई नॉर लो, बट इट हैज द लोएस्ट ट्रैकिंग एरर। इसका जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.02%, मतलब वो निफ्टी 50 को काफी परफेक्टली, ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रैक करता है। Our next pick would be in the mid-cap category. अब इस वाली category में risk थोड़ा सा बढ़ जाता है। Mid-cap में वो companies होती है जो कि future में large-cap होने का potential रखती हैं। अब large-cap category में fund selection was not that important क्योंकि almost सबके returns almost similar थे। लेकिन mid-cap category में fund selection बहुत ज़्यादा relevant हो जाता है। अब जो हम आपको data दिखाएंगे वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन जो इसका fund का analysis है वो अभी भी रेलेवेंट है। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में दो फंड्स PGIM इंडिया एंड क्वांट मिड कैप एकदम अलग से शाइन कर रहे हैं। दे हैव मैनेज्ड टू बीट ऑल द बिगीज लाइक एक्सिस, कोटक एटसेट्रा, बट लेट्स लुक एट द रिस्क पैरामीटर्स। शॉकिंगली PGIM का एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है, क्वांट का भी एक्सेप्टेबल रेंज में है, SBI निप्पॉन का सबसे ज्यादा है। अल्फा में भी PGIM एंड क्वांट बाकी फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहे हैं। बीटा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांट फंड का PGIM से कम है। द ओनली कंसर्न विद क्वांट फंड इज द AUM साइज, आइडियल से थोड़ा कम है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट आई वोट फेवर्स इन PGIM इंडिया मिड कैप। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंड्स व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो आर फ्लेक्सी कैप फंड्स। इस कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन US बेस्ड कंपनीज। इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज फंड्स व्हिच अलाउ देम टू जनरेट सुपीरियर रिटर्न्स। मेरे दो रीजंस हैं इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के। फर्स्ट, आई वुड गेट सम डाइवर्सिफिकेशन इन माय पोर्टफोलियो, एंड सेकंड, आई वुड वांट टू सी सम ग्रोथ अपसाइड। मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 10 टू 15 इयर्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर विल बी ओनली वन कंट्री व्हिच विल सी डीसेंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, व्हिच विल बी US. So I would want to get some exposure to US stocks, also to capture the US stocks ka upside, plus thoda geographical diversification to portfolio mein aayega hi. In sab factors ko consider karte hue, Parag Parekh Flexi Cap Fund would be my best bet. It is one of the most consistent funds from the past 5 to 7 years. Is fund ke 30-35% of its funds invest in US stocks and baki ka 65% in the Indian stocks. Last category jisse hame apna fourth mutual fund pick karna hai would be from the small cap fund. अब ये जो कैटेगरी है इट इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट कैटेगरीज आउट देयर। अगर आपको इस कैटेगरी का एक भी डिसेंट फंड मिल गया, इट कुड एक्चुअली एड विंग्स टू योर पोर्टफोलियो। पिछले कुछ सालों में इस कैटेगरी में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है।
पिछले 10 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो ये है हमारे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। इनमें से क्वांट एंड आईसीआईसीआई रिलेटिवली थोड़े छोटे हैं, जिनका एयूएम इज अराउंड 6500 सीआर। बाकी सब फंड्स का एयूएम इज मोर देन 10000 सीआर। सबका एक्सपेंस रेशियो इज आल्सो अराउंड द सेम रेंज। मोटा मोटा स्मॉल कैप्स के केस में अगर एयूएम 5000 सीआर से ज्यादा है एंड एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो एक्सेप्टेबल रेंज में माना जाता है। अब देखते हैं एक बार सबके रिस्क पैरामीटर्स, जहां से पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होनी और शुरू होगी। यहाँ इस डेटा में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा का पिछले 10 साल का डेटा लिया है। इससे हमको उनके लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेज करने की एबिलिटी अच्छे से समझ आ जाएगी। कुछ फंड्स काफी एक्टिवली मैनेज हो रहे हैं और उनको उनके पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहे हैं, लाइक क्वांट, निपॉन एंड आईसीआईसीआई। वेल, कुछ फंड मैनेजर एक एक स्टॉक्स को काफी टाइम तक रखते हैं, ज्यादा जल्दी चेंज नहीं करते, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी एंड कोटक। क्वांट बाकी फंड्स के कंपैरिजन में सबसे कम वोलेटाइल दिख रहा है इन द पास्ट 10 इयर्स। निपॉन सबसे ज्यादा वोलेटाइल दिख रहा है, ऑल्सो निपॉन के नंबर ऑफ स्टॉक्स सबसे ज्यादा है, बाकी सबके ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, सो आई वुड ईदर गो विद निपॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। अगर मैं एक मॉडरेट रिस्क टेकर हूँ, देन आई वुड गो विद एसबीआई स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप। अब हमारे जो ये चार हमने म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट करे हैं, उनमें कितना कितना परसेंटेज हमारा एलोकेट होना चाहिए, अब हम ये देखेंगे। देखो यार, सिंपली ये भी दो तरी चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी एज एंड आपकी रिस्क एपेटाइट। मैंने एक बहुत जेनरिक चार्ट बनाया है फॉर अ मॉडरेट रिस्क टेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 26 से 30 के बीच में है, आपकी एलोकेशन कुछ ऐसी हो सकती है, 20% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप, 25% इन फ्लेक्सी कैप एंड 30% इन स्मॉल कैप। अब यहाँ मैक्सिमम वेटेड स्मॉल कैप को दिया गया है क्योंकि आपकी एज कम है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज अ वेरी जेनरिक चार्ट। हो सकता है आपकी सिचुएशन अलग हो किसी और 26 साल के इंसान से, आप भी 30 के हो, वो भी 30 के हो, लेकिन आप दोनों की सिचुएशंस लाइफ में बिल्कुल अलग हो। सो आपका एलोकेशन जरूर आपके हिसाब से हो सकता है, बट दिस चार्ट कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी, देन प्लीज शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड टिल देन, बी किफायती।